जातिवार जनगणना, जातियों की गिनती कराना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से लागू कराना, घरेलू बिजली का बिल माफ कराना, बिहार गुजरात पांडिचेरी की तरह यूपी में भी शराबबंदी, गरीबों का इलाज फ्री में हो, इस तरह के मुद्दे लेकर के हम लोग जनता के बीच में इनको जागृत कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। अभी तक आप नेताओं के लिए लड़ते हो और नेता जब यहाँ से चला जाता है तो सत्ता पाने के बाद वो भूल जाता है, MLA MP बनने के बाद वो भूल जाता है। तो उनको याद दिलाने के लिए जनता को हम सावधान कर रहे हैं कि तेरे बीच में नेता में तो उनसे कहो कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी फ्री होना चाहिए। गरीब परेशान है तो बिजली का बिल, अमीरों के अगर कर्जे माफ हो रहे हैं तो गरीबों के बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है, इस बात के उनको जागृत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक सवाल और, राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ आप चौहान यात्रा चला रहे हैं, क्या असर पड़ेगा राहुल गांधी के ऊपर? देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, वो नेता है, अपना काम कर रहे हैं अपनी पार्टी का, हम अपनी पार्टी का अपना संगठन अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं जो गरीब कमजोर। लगातार 20 साल से ओम प्रकाश राजभर की जो लड़ाई चल रही है आगे कब तक जारी रहेगी? जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक ये लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेल देव राजभर जी का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांसी राम जी, उसी लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आरक्षण पे कब विजय पालेंगे आप? देखिए हमारा मानना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए कोई मानता नहीं था कि मंदिर के लिए कोर्ट आदेश देगा, लेकिन वो समय आया कि मंदिर बनाने का आदेश हुआ। तो हम अगर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम अगर लड़ेंगे अपने हक के लिए तो वो निश्चित होगा। विधायक जी, मंत्री जी, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान दिया है कि ओम प्रकाश राजभर का नाम बदलकर असलम राजभर रख दिया गया, तो उसको लिए क्या क्या हो सकता है? मुसलमानी करवा लिए हम अपना एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल ये चोर समझता है, ठीक ना? एक सवाल और मंत्री जी आपसे, लास्ट सवाल, नगर निकायों का चुनाव नजदीक है, इसमें सारे पार्टियों की तरफ से लगातार मतलब तैयारियां चल रही है तेजी से, क्या ये नगर जो नगर निकाय जो चुनाव है या आप खुद लड़ेंगे या फिर गठबंधन करेंगे? हम अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी, हमारा गठबंधन किसी से नहीं। राजभर जी, विपक्ष कहता है जब से ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति उनके तेवर नरम हो गए हैं। नहीं, नरम तेवर नहीं है, हमारे तेवर गरम है। हम जातिवार जनगणना के लिए ललकार रहे हैं, किसके लिए? इन्हीं के लिए ना, सत्ता में बैठे हुए लोग हों चाहे विपक्ष में हो, ये जब सत्ता में रहते हैं तो क्यों नहीं करा देते महाराज? एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू क्यों नहीं कर देते? आज रोजगार परक शिक्षा, आज बेरोजगारी इतनी चरम पे है, आज आप उठा के देखिए कि अगर कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, कलम बनाना, लैपटॉप बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय अगर अनिवार्य कर दिया जाए, रोजगार परक शिक्षा लागू कर दिया जाए, तो बेरोजगारी में थोड़ा गिरावट आएगी। आपकी सरकार बनेगी तो क्या सोच होगी आपकी? 100% पहले तो यही के करेंगे। क्या करेंगे? रोजगार परक शिक्षा लागू करेंगे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करेंगे, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल पहले ही माफ करें। आरक्षणों पे भी चर्चा कर रहे हैं, देखिए सरकार का दावा कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है तमाम नीतियां लेके आ रहे हैं, उसको उसके लिए क्या? हाई कोर्ट का आदेश है ना कि हम थोड़ा कर रहे हैं, हाई कोर्ट सर्वोपरि है ना, हाई कोर्ट ने आरक्षण के लिए वकालत किया है ना, हम थोड़ा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ना हो, लेकिन उसको भी नेताओं ने तोड़ा ना, गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण 72 घंटे में दिया ना, हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई ना। ओम प्रकाश जी, 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष के साथ रहेंगे या फिर भाजपा? देखिए अभी तो 25 करोड़ आबादी के साथ हैं और इस समय आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद।